हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए वीडियो में आज आप लोगों से मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक का रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और आज का जो रूटीन है ना, जो हमारी डेली रूटीन होता है, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि सुबह से उठकर जो हमारे काम होते हैं वो मैं सबसे पहले किस तरह से काम करती हूँ। तो बस ये सब तो मैं साफ करके रख देती हूँ, पर मैं दोबारा से एक बार और कर देती हूँ, क्योंकि चूहे जो बहुत है ना, वो अभी भी आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, कम ही आते हैं, तो वो गैस पे ख़राब कर देते हैं या फिर जो ऊपर से है ना रेत वेत झाड़ा देते हैं, गिरा देते हैं कचरा वगैरह, तो ऐसे गंदा नहीं करते हैं। तो वही मैं आप लोगों से बस एक बार क्लीन कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं पोछा भी झाड़ू मैंने लगा दी थी और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। इस कमरे में मैं एक दिन छोड़ एक दिन ही अंदर मतलब काम करती हूँ झाड़ू पोछा, क्योंकि ये रूम गंदा उतना होता ही नहीं है, बिल्कुल क्लीन रहता है। ज़्यादा मैं आती भी नहीं हूँ और कार्तिक भी ज़्यादा रहता नहीं है, बस वो लेटा बस रहता है और कुछ भी कचरा पूरता है। पहले करता था ये तो बहुत ही ज़्यादा कागज़ वगैरह, तो आजकल मैंने ना एक डस्टबिन रख दिया है, मतलब बाल्टी रख दी है एक प्लास्टिक की, तो खाली करके मैंने, तो बस उसी में सारी जो कागज़ वगैरह जो भी उसको करना रहता है तो उसमें डाल देगा। बस इस तरह से मैंने कर दी हूँ, और क्योंकि ज़्यादा काम नहीं रहता है तो फिर उसमें डेली मैं काम नहीं करती हूँ। इसमें इस रूम में मैं दो बार तो आराम से हो ही जाते होंगे पोंछा लगाने में, क्योंकि खाना खाते हैं उस टाइम पर लगा देती हूँ, और अभी कभी कभी तो शाम को भी हो जाता है, क्योंकि फिर ज़रा सा खाना गिरता है तो गंदा भी हो जाता है, तो बस पोछा मार देती हूँ मैं। तो अभी देखिए मॉर्निंग का जो मेरे झाड़ू पोछा और बर्तन भी मेरे धुल गए हैं। कल रात को क्या हुआ था ना, आज फुल डे मैं काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल रात में मैंने काम नहीं किया था, क्योंकि थोड़ी सी ना तबीयत सही नहीं लग रही थी ना, कभी मैं रखती नहीं हूँ वैसे ज़्यादा बर्तन, पर आज के मैंने रख दिए थे, तो फिर मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में ही बर्तन अपने धोए। तो मैं बस अभी बर्तन भी जमा दूँगी सारे, जो अपनी अपनी जगह पर सब रख दूँगी। और अक्सर हमारा जो रूटीन होता है ना मॉर्निंग का या डेली का, तो सेम ऐसे ही होता है, जो झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े, ये सब डेली का रूटीन होता है, तो सेम वही काम होता है। तो जैसा भी होता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं बर्तन जमा दे रही हूँ, तो चलिए मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ और बर्तन जमा देती हूँ। और अभी तो आने वाली है नवरात्रि भी, शायद इसके मतलब दो तीन दिन बाद, अभी मेरे को दो तीन दिन और काम में लग जाएंगे, क्योंकि अभी जो रैक है ना जो हमने जमाया है अभी यहाँ पर, सारा जो किचन का जो डब्बा डिब्बी है ना वो साफ़ करने हैं, और यहाँ पर ना और ज़्यादा दिक्कत हो गई है ये रखने से, क्योंकि जब उस साइड अलमारी थी ना तो उतने ज़्यादा गंदे नहीं होते थे, खाली डस्ट जमती थी, तो वो आसानी से साफ़ हो जाती थी कपड़े से। लेकिन यहाँ पर रख देने से ना एक दिक्कत हो गई है, अब यहाँ रखे हैं तो अब ठीक भी लग रहा है, पर यह है कि खाना बनाती हूँ ना तो अब कोई चीज़ बघारते हैं ना, सब्जी वगैरह कुछ भी, तो उसका जो छींटे होते हैं वो उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं डब्बों पे, तो ऑयली हो जा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ मतलब इस पे ना पर्दा लगा दूँ, तो पर्दा लगा दूँगी तो शायद कुछ थोड़ा बहुत सही रहेगा, तो कुछ हद तक देखते हैं बनता है या नहीं बनता है इसमें लगाते, तो क्योंकि ऐसे तो फिर रोज़ रोज़ टाइम रहता नहीं है कि रोज़ डेली
और डेली ऐसा काम कोई कर भी नहीं पाता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, कोई भी हो। तो डेली तो कोई डब्बा डिब्बी साफ नहीं कर पाते होंगे। हमें हमेशा 15 दिन या महीने भर में ही मैं ज़्यादातर साफ़ करती हूँ, या त्यौहार आ जाते हैं। और जब भी त्यौहार आ जाते हैं तो फिर तो मैं थोड़ी बहुत करती ही रहती हूँ। पर मैंने जो अभी किए थे नए साल में, जो संक्रांति में, पर मैं अभी भी फिर से करूँगी क्योंकि अब आ गई है नवरात्रि। तो नवरात्रि में जितने भी और जो काम है, यही काम भर रहता है ज़्यादातर किचन का, तो वो करूँगी। उससे पहले मैं बना दे रही हूँ थोड़ा सा खाना। तो आज बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सी खिचड़ी, क्योंकि एक बात तो बताना भूल ही गई थी कि कार्तिक की जो है वो तबीयत ख़राब है थोड़ा सा। तो क्या हुआ, पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे कार्तिक की भी हो गई। फिर मतलब उस टाइप से नहीं हुई है, उसका तो खैर दांत के कारण हुई है, क्योंकि जो दांत है ना उसका तो टूट रहा हैगा एक पर, वो काफ़ी दिनों से 8-15 दिन हो गए होंगे तब से वो हिल रहा है लेकिन टूट नहीं पा रहा है। तो कुछ तो दांत के कारण ना सिर में बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये मैं बचपन से ही मैं उसको समझती हूँ, क्योंकि जब बच्चों के दांत निकलते हैं ना तो बहुत बुखार आती है, कहीं दर्द होता है, तो इस कारण से वो अभी भी ऐसे ही रहते हैं। तो जब तक वो दांत नहीं टूट जाता ना तो बस उसको तकलीफ़ ही है थोड़ी, तो बस उसके कारण मैं उसको खा भी नहीं पा रहा है, कुछ चबा नहीं पा रहा है अच्छे से, तो इसलिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और इसके बाद ना क्या हुआ कि कार्तिक की तबीयत के साथ फिर उसी रात को मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो गई। उनकी तबीयत इतनी बुरी ख़राब हुई है, इतनी ज़्यादा कि पूरी रात ना परेशान कर दिए रहे हमें, क्योंकि है ना सोने दिए ना सोए खुद, इतना ज़्यादा परेशान कर दिए, पता नहीं क्या हो गया रहा अचानक से। जो भी जैसे ही दूसरे दिन फिर दवाई ववाई लिए तो थोड़ा आराम है। तो बस अभी मैं सिंपल सी, मैंने कुछ भी नहीं डाला है ज़्यादा, सिर्फ मैंने जीरा ही डाला था, जीरा से बघारा था, और दाल चावल ली हूँ थोड़ा थोड़ा आधा आधा कप, और खूब सारा पानी डाली हूँ क्योंकि पतली खिचड़ी बना रही हूँ जिसमें ये पी सके कार्तिक। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी और स्वाद अनुसार नमक, बस ये दोनों चीज़ें ही डालूँगी। और मैंने किसी चीज़ से नहीं, इसमें ना टमाटर प्याज कुछ नहीं डाला, सिंपल ही बनाई है। तो बस इसमें चार पाँच सीटी आने तक इसको पका लूँगी, उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट काम में लग जाऊँगी। और ये देखिए, मैं बता रही थी कार्तिक दवाई खा रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ा सा, उसका सिर भी दर्द हो रहा था तो दवाई मंगवाए हैं, तो बस दवाई खा रहा है। और पूरे दिन सोया है कार्तिक, पूरे दिन कहीं नहीं गया है, 1-2 दिन हो गए। तो खेलता है, थोड़ी थोड़ी खेलता है, फिर लेट जाता है, फिर खेलता है। बस उसको कोई दिक्कत नहीं है, दांती की प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं कब ठीक होगी, देखते हैं। यहाँ देखिए खिचड़ी बन गई है, मैंने दे दी है, और पेपर भी हैं उसके, तो पेपर भी वो करता जा रहा है कैसे भी करके, क्योंकि पेपर देना भी ज़रूरी है। और पेपर के टाइम पे ही उसको तकलीफ़ हो रही थी, यदि बहुत ही ज़्यादा। तो उस समय खाना खाने के बाद ना फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था डायरेक्टली, मैं रात के सोने के समय मैं बस इतना ही मैंने सोचा, मतलब ये कर रही थी तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा था कार्तिक को, तो ये लगा रही थी मैं थोड़ा सा जो सरसों का तेल होता है और मिट्टी का तेल, वो मिलाकर, क्योंकि हम लोग तो शुरू से ही मम्मी यही लगा दिया करती थी, और अच्छा भी रहता है थोड़ा सा लगा दो ना तो सारे बुखार तबीयत सब सही हो जाती है इससे। तो यही मैंने सोचा कि ये लगा के देखूं थोड़ा सा तो ठीक हो जाए, और थोड़ी थोड़ी बुखार भी आ रही थी उसको, तो मैंने इन दोनों चीज़ों को तेल को मिक्स करके और इसको लगा रही हूँ पूरी बॉडी पे और पैर पे, हाथ में सब में लगा दूँगी। और सेम यही काम प्रोसेस ना मेरे हस्बैंड को भी करना है मुझे, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्या कर सकते हैं,
अब तकलीफ है, बच्चे जैसे हो जाते हैं ना सबके सब, तो फिर करना पड़ता है। तो बस उनको भी मैं यही करूँगी, पहले कार्तिक को लगा दूँ। और रात में खाना भी नहीं बनाई मैंने, सबने खिचड़ी ही खाई, खिचड़ी मैंने ज़्यादा बना ली थी तो वही खा ली इन लोगों ने। और फिर मेरा मन भी नहीं हुआ ज़्यादा कुछ बनाने का मेरे लिए। और मेरी आवाज़ भी अभी भी पता नहीं कैसी, गला ना बहुत ही ख़राब हो गया है खांस खांस की, मुझे सिर्फ खांसी बस है, बाकी तो मेरी ठीक ही हो गई है तबीयत। तो इस तरह से मैं ना यही करती हूँ हमेशा, कुछ भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है दवाई करवाती हूँ, पर थोड़ा सा अगर अपने से केयर कर दो ना तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक हो जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, थैंक यू।